मैं ममता अपने चैनल ममता वसंदानी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो अगर फ्रेंड्स, अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो उसे लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, दूसरों के साथ शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब तो ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। तो आज की रेसिपी है आलू पालक की रेसिपी। तो जैसा कि ठंड थोड़ी थोड़ी अब शुरू हो गई है तो इस समय अगर आप आलू पालक की सब्ज़ी बनाएंगे तो बिल्कुल मज़ा ही आ जाएगा। तो इसके लिए मैंने लिए 3 से 4 बड़े आलू, आधा किलो पालक, 2 टमाटर लिए, 1 बड़ा प्याज लिया है, अदरक लिए, 1 हरी मिर्च लिए, 2 लाल मिर्च सूखी लिए और 15 से 20 मैंने जो है लहसुन की कलियां ली हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग आलुओं को चॉप कर लेंगे। इस तरीके से पीलर से आपको चॉप करना है। तो तीनों आलुओं को पील करके हम लोग तैयार कर लेंगे। तो एक आलू तो मैं आपको दिखा रही हूँ, इसी तरीके से सारे आलू को छील के और हम लोग पील करके तैयार कर लेंगे और फिर उसके बाद उसके जो है हम लोग छोटे छोटे पीसेस कट कर लेंगे। तो ये देखिए, एक आलू मेरा छिल गया है और भी बाकी के 2 आलू भी मैं इसी तरीके से छील लूँगी और ये मैंने आलूओं को कट कर लिया। इसी तरीके से थोड़े बड़े बड़े पीस ही करिएगा। और उसके बाद मैंने इनको वॉश करके अलग से साइड में रख लिया है। और उसके बाद मैं पालक को मैंने कट कर लिया है और पालक के बाद उसको धो लिया है मैंने कट करने के बाद। कम से कम 5-6 पानी से धोइएगा क्योंकि इसके अंदर बहुत मिट्टी होती है और अगर मिट्टी खाने में आएगी तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। और अब मैंने एक कढ़ाई को गैस पर रख दिया और उसमें मैंने सरसों का तेल यूज़ किया है। तो आप भी इसको सरसों के तेल में ही बनाइएगा, इसी से इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है सब्ज़ी का। तो तेल मेरा गर्म हो गया था, मैंने इसमें 2 सूखी लाल मिर्च डाल दी हैं और अपनी जो 1 हरी मिर्च डाली है मैंने। आप चाहें तो अपने हिसाब से, अगर आप लोग ज़्यादा प्रेफर करते हो तो हरी मिर्च ज़्यादा भी डाल सकते हो। और मैंने इसमें 1/2 चम्मच जीरा भी डाल दिया है। तो अब जीरा क्रैकल हो गया है, देखिए। तो इस टाइम पे जो है, देखिए, सारे जो है मसाले हमारे अच्छे से भुन गए हैं, जीरा, हरी मिर्च और क्या कहते हैं लाल मिर्च। तो अब क्या करेंगे, हम लोग इसमें जो है प्याज डाल देंगे, जो 1 बड़ा प्याज मैंने दिखाया था। तो उसको मैंने रफली चॉप किया है, बिल्कुल महीन महीन नहीं करिएगा, नहीं तो खाते समय उसका बाइट बिल्कुल नहीं आएगा तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी सब्ज़ी। तो थोड़ा सा मोटा मोटा ही चॉप करिएगा। तो अब थोड़ा सा इसको प्याज को भी हम लोग फ्राई होने देंगे और इसके बाद जो है इसमें हम लहसुन तुरंत डाल देंगे। लेकिन पहले हमें लहसुन नहीं डालनी है क्योंकि पहले लहसुन डाल देंगे तो उतना अच्छा फ्लेवर नहीं आएगा। प्याज को भुनने के बाद ही आप लोग इसमें लहसुन डालिएगा तो बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा सब्ज़ी में लहसुन का। तो अब लहसुन को भी फ्राई होने देंगे धीरे धीरे से साथ में ही हम लोग। और उसके बाद क्या करेंगे, इस पर अपने वॉश किए हुए आलू जो है निकाल के डाल देंगे पानी में से। देखिए, मैं आलू डाल रही हूँ ना इसमें, इसी तरीके से आपको आलूओं को डाल देना है। सारे आलू एक एक करके इसमें डाल देंगे और अब इसको मिक्स करेंगे सबको अच्छी तरीके से। ये सब्ज़ी बहुत ही बढ़िया लगती है और सर्दियों में बनाएंगे तो बहुत ही अच्छी लगेगी क्योंकि सर्दियों के आलू भी अलग होते हैं और पालक भी बहुत अच्छी फ्रेश होती है। तो अब देखिए, मैंने इसमें अदरक डाल दिया है, अदरक को मैंने ग्रेट करके डाला है। आप चाहिए तो बिल्कुल महीन महीन चॉप करके भी डाल सकते हैं अगर आपको अदरक का बाइट पसंद हो तो, लेकिन मैंने इसको चॉप करके डाला है। तो अब इसको भी थोड़ा सा भून लेंगे। अब क्या करेंगे, हम लोग को आलूओं को थोड़ा इसमें जो है रोस्ट करना है हम लोग को, और थोड़ा हाई फ्लेम रखिएगा क्योंकि पानी जो है, आलू का पानी भी रिलीज़ होता है। अब मैंने इसमें हल्दी डाल दी है और थोड़ा सा मैंने लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है। मैंने इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाला है ताकि कलर जो है सब्ज़ी का अच्छा है। तो अब सबको मिक्स करेंगे और आलूओं को थोड़ी थोड़ी देर में घुमा घुमा के रोस्ट करते जाएंगे। थोड़ी सी इसमें क्रस्ट आ जाना चाहिए आलू का, तभी टेस्ट अच्छा आता है। क्योंकि कच्चे आलू के ऊपर पालक डाल देंगे ना तो वो सब्ज़ी का मज़ा नहीं आएगा। तो थोड़ी देर के लिए इसको रोस्ट करेंगे। देखिए, कैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, थोड़ा थोड़ा कलर आना शुरू हो गया है हमारे आलूओं के ऊपर। अब बिल्कुल भी आपको हटना नहीं है वहाँ से, खड़े होकर लगातार रोस्ट करना है। अब मैंने इसमें टमाटर डाल दिए हैं, 2 टमाटर मैंने बड़े लिए थे। और अगर आपको देसी टमाटर लगे तो बहुत ही अच्छा है, वो थोड़े से खट्टे होते हैं, उनका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो वो टमाटर अगर आपको मिले तो बड़ी डालिएगा। तो चलिए, मैंने टमाटर डाल दिए इसके अंदर और अब इसमें नमक डाल दिया। टमाटर को डाल के उसमें बांधे नमक डाल देने से किसी भी रेसिपी में तो टमाटर बढ़ जाता है बढ़िया तरीके से। अब मैंने इसमें धनिया पाउडर डाल दिया और फिर से सबको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। तो देखिए, मैंने मिक्स कर ली हूँ इसको। अब मिक्स करके इसके बाद में इसको ढक्कन लगा के 5 से 7 मिनट के लिए रख देंगे ताकि जो हमारे आलू हैं और टमाटर हैं सब अच्छे तरीके से मशी हो जाएं, थोड़े से गल जाएं। टमाटर तो मशी हो जाएंगे पर आलू जो है फुल डन नहीं करने हैं, आलू को हम लोग को अभी आधा ही गलाना है। तो देखिए, टमाटर हमारा थोड़ा सा मैश हो गया है ये। अब आलू को चेक करके देख लेते हैं कि कितना गला है आलू हमारा।
तो थोड़ा अभी आधा ही गला है, देखिए पूरा गला बिल्कुल भी नहीं है। तो अब इस टाइम पे क्या करेंगे हम लोग, अपनी सारी पालक निकाल के, पानी से निकाल के मैंने स्ट्रेनर में रख दी थी ताकि सारा पानी इसका निकल जाए, और पालक को इसके ऊपर डाल देंगे। और अब आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि पालक डालने के बाद जो है इसको आपको मिक्स नहीं करना है। मिक्स करेंगे ना तो कुकिंग प्रोसेस नीचे आलूओं का चेंज हो जाएगा और फिर अलग अलग सी टाइप की कुकिंग होगी। तो अब पालक डालने के बाद हम तुरंत ढक्कन लगा देंगे इसमें, इसको अभी मिक्स नहीं करेंगे बिल्कुल भी। मैं बार बार आपको बता रही हूँ, इसको ऊपर तुरंत आप ढक्कन लगा दीजिएगा, इसको अभी मिक्स मत करिएगा। फिर 5 से 7 मिनट के लिए इसको रख देंगे ताकि हमारा आलू वगैरह जो है अच्छे से बॉयल हो जाए और पालक जो है हमारी थोड़ी नीचे हो जाएगी। तो ये देखिए, अब मैं 5 से 7 मिनट के बाद फिर ढक्कन खोल रही हूँ, तो देखिए पालक हमारी अपने आप कितनी नीचे बैठ गई है। तो अब इस स्टेप पे जो है हम लोग इसको मिक्स करेंगे। देखिए तो हमारा नीचे जो है आलू भी अच्छे तरीके से गल गया होगा, और जो है बहुत फ़र्क पड़ता है, अगर आप पहले मिक्स कर देते ना तो वो टेस्ट नहीं आएगा सब्ज़ी में। तो देखिए अब मैंने इसको मिक्स कर दिया है, और जो है फिर से 5 से 7 मिनट के लिए इसको हम लोग ढक के रख देंगे, क्योंकि अभी पालक उतनी अच्छी सी नहीं गली है। थोड़ी देर के लिए इसको फिर से रख देंगे, और फिर से 5 से 7 मिनट के बाद मैं इसको खोल के दिखा रही हूँ आपको। देखिए तो अब लगभग हमारे आलू पालक वगैरह सब अच्छी तरीके से गल गए हैं। तो अब इस स्टेप पे जो है इसको पूरे को अच्छे से एक बार मिला लेंगे। और अब हम इसमें डाल देंगे कसूरी मेथी। कसूरी मेथी ज़रूर डालिएगा, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, बहुत ही अच्छी खुशबू भी आती है सब्ज़ी में। और मैंने थोड़ा सा गरम मसाला डाल दिया है और थोड़ी सी डाल दी है पिसी खटाई। तो बस ये सब्ज़ी का हमारा लास्ट स्टेप था, अब इसको मिला लेंगे सबको अच्छी तरीके से। सारे मसाले मैंने इसमें डाल दिए हैं, सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे। और इस सब्ज़ी को आप फुलकों के साथ, गरम गरम फुलकों के साथ खाइएगा तो बहुत ही बढ़िया लगती है सब्ज़ी खाने में। बच्चे अगर पालक वगैरह खाना पसंद नहीं करते हैं तो इस तरीके से आप खिलाएंगे तो बहुत ही आराम से 2 से 3 रोटी आराम से खा लेंगे बच्चे। बच्चों को बहुत ही पसंद आती है ये सब्ज़ी। तो ये सब्ज़ी हमारी रेडी है। एंड में हम क्या करेंगे, इसमें 1 चम्मच देसी घी डाल देंगे। तो इससे अच्छा तो फ्लेवर तो थोड़ा एनहेंस हो गई, पर सब्ज़ी में हमारी एक अच्छी सी शाइनिंग आ जाएगी सब्ज़ी, जो कि देखने में बहुत ही अच्छी लगेगी। तो ये देखिए देसी घी डाल के मैंने इसको मिला दिया है, और अब हमारी सब्ज़ी बनकर बिल्कुल ही रेडी हो गई है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को सब अच्छा लगा हो तो लाइक भी ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। तो ये हमारी सब्ज़ी रेडी है। मेरे वीडियोस को अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, अपने व्हाट्सएप ग्रुप, जिस पे ग्रुप पे भी आप हो, फेसबुक पे, सब पे आप इसको शेयर करिएगा। मैं मिलूँगी आपसे अगली वीडियो में। अंटिल देन बाय।